जनता का प्यार बन चुकी है मनीषा, आखिरकार क्यों ना बने। मनीषा ने जिस तरीके से जनता का दिल जीता है, इस घर में किसी और ने नहीं जीता है। मनीषा रानी की जहां पर बात होती है ना, वहीं पर कुछ बात होती है। जैसे कि कल मन्नू पंजाबी ने जब इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में इतनी सारी बातें क्यों हुई, क्योंकि मनीषा ने इतनी सारी चीजें की। बाकियों के इंटरव्यू इतने बोरिंग क्यों रहे, क्योंकि बाकियों ने इतनी सारी कुछ झंडा गाड़ा नहीं। यहां पर अभी कुछ जिया फैंस जो है काफी सारे टैग चला रहे हैं, उसमें से एक टैग है शेम ऑन मनीषा। भाई आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे ये बात बोलते हैं कि लड़की हो के तुम लड़की के बारे में ऐसी सब बातें बोलती हो, तो ये लोग कौन है? मैं लड़की हो के मैं लड़की के बारे में ये बात बोल सकती हूँ? क्या हो गया अगर लड़की गलत है तो मैं गाली थोड़ी ना दे रही हूँ। वैसी जो है मनीषा के बारे में, अगर लड़की हो के लड़की के बारे में अच्छा बोल सकती है, जेलस नहीं कर सकती है, तो अगर लड़की गलत बोल रही है तो गलत बोलने की भी मेरे में हिम्मत है। वहीं पर बस फैंस ने, जनता ने दिल जीत लिया, प्यार करने लग गए मनीषा को, और भी ज़्यादा इन सब हरकतों से सपोर्ट दिखाने लग गए। जनता लव मनीषा, जैसे शेम ऑन मनीषा, अभी जनता लव मनीषा। सही बात है भाई, जनता प्यार करती है मनीषा से। अगर आप भी प्यार करते हैं, और कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत है यार, मुझे भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आप लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हुई हूँ, बिकॉज आप लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हो मुझे। बहुत सारे ऐसे मनीषा फैंस भी है जो कि मुझे बोल रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप मनीषा के फ़ैन हैं तो जनता लव मनीषा करके कमेंट कीजिए, और कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।